श्री अकाल स्काई न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का जी आया नूं ते मैं हाँ तुहाडे नाल प्रकाश फुलारा। अज सब तो पहला मैं एक तस्वीर है जिहड़ी तुहानूं विखाउणा चाहुंदा है। यह तस्वीर है साल 1907 की जदों अंग्रेजी शासन काल दे विच देश का सब तो लंबा किसान अंदोलन यानी कि पगड़ी संभाल जट्टा शुरू होया सी। 9 महीने तक चले इस अंदोलन के अगे उदों दी ब्रिटिश हुकूमत नूं झुकना पिया सी। अज फिर तो उही तारीख ते समा याद आ गया है जदों मोदी सरकार के दौरान आज़ाद भारत दे विच किसान अंदोलन नूं 9 महीनों का समा पूरा हो चुका है। किसान अंदोलन के 9 महीने सड़कां ते अन्नदाता दे 274 दिन 6576 घंटियां तो लगातार जारी अंदोलन। अज तो ठीक 274 दिन यानी कि 9 महीने पहला किसानों ने जो पंजाब तो सिंगू बॉर्डर दे वल नूं चाले पाए सी तां सरकारां ते पुलिस दे अन्ने तशद्दुद दा टाकरा करदे होया देश दा अन्नदाता दिल्ली बॉर्डर ते पहुंच गया सी। उस दिन तो लगातार किसानों ने बिना रुके बिना थके घोल नूं जिंदा रख्या होया। 3 नवे खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का अंदोलन अज दुनिया का सब तो लंबे चिरां तक चलन वाला अंदोलन बन गया है। जदों पंजाब के किसान घरां नूं छड़ के अंदोलन के राह ते तुरे सी तां उन्हां नूं यह नहीं पता सी कि यह अंदोलन विश्व का सब तो वड्डा शांतमई अंदोलन बन के उभरेगा। जिथे इस अंदोलन नूं 9 महीने किसान अंदोलन कहा जा रहा है तां उत्थे ही आवाज़ तां यह भी सुनन नूं मिल रही है कि यह 9 महीने भारतीय जनता पार्टी सरकार दे अहंकार दे हन। किसानां दी सिर्फ इक्को मंग है कि केंद्र दे वल्लों लागू किते ते सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों रोके गए 3 नवे खेती कानून रद्द किते जान। किसान कहिंदे ने कि यह उन्हां दे पक्ष दे विच नहीं है बल्कि किसानां दे लई यह डैथ वारंट साबित होणगे। इन्हां 9 महीनों दे विच हुण तक 563 दे करीब साडे किसान शहीद हो चुके हैं जिन्हां दा आंकड़ा साडियां सरकारां दे कोल तां नहीं है लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे ने अपने एक एक अंदोलनकारी नूं याद रख्या होया। हालांकि सरकार ते किसानां विचाले 11 दौर दीआं बैठकां भी हुईआं लेकिन सारिया ही मीटिंगां बेसिट्टा रहीआं। इन्हां 9 महीने की गल करिए तां फिर इस किसान अंदोलन दे विच काफ़ी कुछ होया। 26 नवंबर नूं पंजाब अते हरियाणा दे किसान दिल्ली बॉर्डर ते पहुंचे। सिंगू अते टिकरी बॉर्डर ते किसानां ने अंदोलन शुरू कर दिता। 27 नवंबर नूं उत्तर प्रदेश तो वड्डी गिनती दे विच किसान टिकरी बॉर्डर ते पहुंच गए। 27 नवंबर नूं पुलिस ने सिंगू बॉर्डर ते किसानां नूं तितर बितर करन दी भी कोशिश कीती। किसानां ते अथरू गैस दे गोले छड्डे गए। 8 दिसंबर नूं किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। 14 दिसंबर नूं देश भर दे विच भुख हड़ताल रखी गई। 21 दिसंबर नूं दिल्ली दे विच भुख हड़ताल हुई। 11 जनवरी नूं सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नवे खेती कानूनों ते रोक लाउण दे आदेश दिते। 26 जनवरी नूं किसानों ने दिल्ली दे विच ट्रैक्टर परेड कट दिती। 26 जनवरी नूं ही दिल्ली लाल किले दे विच हिंसा हुई। 18 फरवरी नूं किसानां ने रेल रोको अंदोलन शुरू कर दिता। 23 मार्च नूं धरनियां वाली थावां ते यूथ कॉन्फ्रेंसां होईयां। 5 अप्रैल नूं देश दे 736 जिले दे विच FCI दे दफ्तरां दा किसानां दे वल्लों घिरोह कीता गया। अप्रैल दे विच ही किसान अपने पिंडां दी मिट्टी लै के दिल्ली बॉर्डर ते पहुंचे। मई दे विच किसान अंदोलन दे 6 महीने पूरे होए। 26 जून नूं किसानां ने देश भर दे विच प्रदर्शन किते, राजपालां नूं मंग पत्र सौंपे। 22 जुलाई नूं किसानां ने जंतर मंतर ते किसान संसद कीती। हुण 9 महीने पूरे होण ते किसानां दे वल्लों अज ते कल यानी कि 26 अगस्त 2 दिन सिंगू बॉर्डर ते कन्वेंशन शुरू कर दिती गई है। किसानां दा यह अंदोलन इतिहास दी उस तारीख नूं भी याद करवा रहा है जो साल 1906 दे विच
देश का सब तो वड्डा किसान अंदोलन पगड़ी संभाल जट्टा शुरू होया। अंदोलन की अगवाई उस समय शहीद आजम भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने की। ब्रिटिश शासन काल दे विच आबादकारी बिल किसानों के खिलाफ लिया गया। इस बिल का उद्देश किसानों दीयां जमीनां नूं हड़प के वड्डे शाहूकारां दे हाथ दे विच देना सी। कोई भी किसान अपनी जमीन तो दरखत तक नहीं कट सकता सी। नवंबर 1907 दे विच अंग्रेज शासन नूं झुकना पिया ते कानून वापस लै ले गए। ते हुण गल करिए ताफी मोदी सरकार दे दौरान भारत दे इतिहास दा ये किसान अंदोलन सब तो लंबे समय तक चलन वाला अंदोलन बन चुका है। लेकिन सवाल यही कि आखिर जय किसान जय जवान दे नाल जय विज्ञान दा नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हां किसानां दी गल कदों सुनणगे। 1907 दे विच तां भारत गुलाम सी, उदों अंग्रेज हुकूमत नूं झुकना पिया सी, तां हुण आजाद भारत दे विच फिर तो क्यों 1907 वाली तस्वीर बनती जा रही है। सरकार लोका दी आवाज़ नू दबा नहीं सकती ते आवाज़ सुननी पवेगी। सत्ता किसानां नू नज़रअंदाज करके हरगिज चल नहीं सकती। तो फिलहाल इस खास पेशकश दे विच इन्ना ही। होर ताज़ा तरीन खबरां दे लई तुसी लगातार वेखदे रहो स्काई न्यूज़ पंजाब।